हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? मोमोज खाने हैं। तो चलते हैं और देखो एक्टिवा दिया हमने बैटरी वाली। हाँ। तो जा रहे हैं मोमोज पकड़ते हैं और खाते हैं ना अभी। हाँ, घर लेके आ गए। अभी मतलब कि मैं ठीक नहीं हूँ बट फिर भी इसके लिए खाने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ। और चले घर लेके जाइए, सारे खाएंगे। पहले हम सारे आएंगे तो खाएंगे जब बड़ी मम्मा। और देखो बैटरी हमने फुल चार्ज करी, हाथ से कर ले अपना बैटरी फुल चार्ज। चलते हैं और मजे करते हैं। हाँ। तो फाइनली मोमोज ले लिए, चलिए खाए। चलो चले और खाए मोमोज। मोमोज से चलो चले, गेट खोलो। चलो हाँ जी, सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग और लाइट खड़ी हो चुकी है। और गांची कैसा है, क्या कर रहे हैं? मेरा व्लॉग देख रहे हैं? ये कौन है और ये कौन है? कौन था ये? कौन है ये? कौन है ये? ये कौन है? मजा आ रहा है, ठीक है। सो देखो कितनी धूप हो रही है और बोरिया भी इतना डरी है। आज मतलब जा रहे हैं वापस अपने बैक टू होम, बिकॉज आज है 1 तारीख और हमने आज जिम भी जाना है शाम को। तो इसलिए बाकी मतलब जाना तो ऐसे था नहीं मैंने, क्योंकि मेरे को कह रहे थे मत जाओ बट हम तो जा रहे हैं स्पेशली अपने जिम के लिए, बिकॉज 1 तारीख से हमने मतलब प्रॉपर जिम शुरू करना था जो हमने सोचा हुआ था, और वो तो हमने करने का, तो इसलिए जा रहे हैं। और मतलब कोई रीजन नहीं है स्पेसिफिक, अगर जिम ना होता फिर तो यहाँ पर स्टे कर लेते। वैसे है तो हम वेली बट फिर भी जो भी है आपके सामने ही है। सबको मतलब बाय वगैरह कर दी हुई है और मम्मा कहते मैं तो बाद में आऊँगी। तो चलो हम तो जाए, अभी जा रहे हैं मतलब बस जाए ऑटो लेके और फिर जाएंगे हम सीधा जलंधर और चलते हैं। चलो बाकी जाना है यहाँ पे ना थोड़ा काला हो गया, चलो कोई बात नहीं वापस जाके फिर से गोरा हो दूंगा। ओके चलो चलो बहुत ज़्यादा गर्मी है क्या बोलते हैं। तो फाइनली गाइस हमें बस मिल चुकी है और जा रही है, चलो मतलब पहुँचने मिले हैं घर से मिल जाए। तो फाइनली गाइस देखो गर्मी इतनी है और पहुँच चुके हैं इतना भारी बैग लेके। बाकी अपना यार दोस्त आ रहे हैं यहाँ से तो उसकी वेट करते हैं, बिकॉज उसको हमने फ़ोन कर दिया था कि हम आने वाले हैं, तो कह रहा ठीक है तो अभी लेने आएगा, आप उससे मिलाते हैं और फिर चलते हैं सीधा घर। तो चलो चल, पता नहीं कहाँ पे वो रहा आ रहा है तो उसको आने दो। ओहो वड्डे पाजी आ चुके ने, पाजी कितने लगे हो? कितने लगे हो? बस होता ही टाइम पास। नहीं मैं तो तुम्हें पता मैं थक के आया बहुत दूरों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो चलते हैं सीधा घर। तो हम तो गए थे अमृतसर, फाइनली आ चुके हैं और आ चुके हैं हमारे 2 प्रोडक्ट। तो करके खेल बॉक्सिंग, तो चलो सबसे पहले करते ही होगा, करो जिसका अनबॉक्स। तो ये एक सेल हो सकता है, ये है मतलब एक्चुअली मम्मा के लिए मंगाया था, तो खोलो इसको। हाँ ओ क्या बात है भाई, इसमें तो चलो क्या बात है। मम्मा के लिए हमने एक गिफ्ट ऑर्डर किया है, तो बताओ कैसा एक बार कैंडल। तो ये हो गया मम्मा के लिए और ये खोलो, ये है मेरे लिए, खोलो एक बार। अच्छा हथियार लोगे इसके लिए, चलो ठीक है ले आए। चलो करो अनबॉक्स प्यार से। और ऐसे कोई करता अनबॉक्स दे, मैं करूँगा यार दे। ओ सीधा डब्बे में करो फोकस और यहाँ पकड़ो। हाय हाय तो ये भी आ चुका है अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो बस ये हमें 2 प्रोडक्ट अभी आए थे हमारे, तो फिलहाल चलो चलो ठीक है। आज से वैसे हमें जिम जाना है तो इसलिए ये भी आ गया, अच्छा हुआ। तो बस
फिलहाल हम जिम के चुके रेडी, मतलब रेडी क्या जा ही रहे जिम, बैग हमने पूरा रेडी कर दिया और शेकर भी ले लिया। तो चलते हैं आज से, मतलब आज एक तरीका प्रॉपर से मतलब जिम करेंगे और देखते हैं महीने भर हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिल पाता है। मतलब कि जो पहले हमारी बॉडी हमने इतनी मुश्किल से बनाई थी, इतने साल मेहनत की थी, क्या वो हमें एक महीने में फिर से हमारी बॉडी जो है कम से मिलेगा नहीं मिलेगा। तो टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं, जो भी होगा आपके सामने होगा। हम डेली तो ब्लॉग डालते हैं, वो भी देखें आप कुछ फ़र्क आया कि नहीं था। तो जा रहे हैं जिम और आज से चावल ख़त्म हो चुके हैं, तो आज से छोड़ के अपनी फिर डाइट खाएंगे, चलते हैं और आते हैं। यार मेरे को भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब कि मैं सुबह से मतलब आया था ठीक था, अभी जस्ट मैं जिम से होके आया हूँ और फिर से फीवर हो गया, पता नहीं शरीर गर्म हो गया एकदम से। तो मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया कि जिम मत जाना, बट फिर भी मैं हो गया और फिर से मतलब कि बीमार हो गया भाई। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या ही है। मतलब सुबह से मतलब एकदम ठीक था, मुझे लगा था पूरी एनर्जी है, पूरी सब कुछ हरी चीज़ है, बट अभी अभी जस्ट फिर से पता नहीं यार पूरा शरीर एकदम से गर्म गर्म हो गया, पता नहीं। बाकी देखते हैं सुबह तक क्या सीन है, बस मैं बस बीमार ना हूँ वरना काम ख़राब हो जाएगा। बाकी देखो क्या करना है क्या नहीं है, अभी जाना भी है, रोटी लेके आनी है, थोड़ी रेस्ट करता हूँ 5-10 मिनट और फिर देखता हूँ क्या सिस्टम है, तो फिर उस हिसाब से करेंगे सब कुछ। तो ठीक है चलो देखते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। देखो अब मेरा फ़ोन ना अच्छा वाला था, ठीक है ये वाला मतलब चमड़े लेके था, अब देखो क्या हो गया इसको, देखो देखो इसी दूसरे पिंक पड़ गई भाई, ये देखो देखो पूरा पिंक पड़ गई स्क्रीन इसकी, तो वो नेटफ्लिक्स लग रहा है नेटफ्लिक्स ही भाई यार, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कितना नुकसान क्यों हो रहा है। पहले मेरे एयरपोर्ट से वो ख़राब हो गए, अब ये फ़ोन था यही ख़राब हो गया, क्या बताऊँ भाई क्या क्या चल रहा है आजकल। और अब मैं भी बीमार हो गया, फ़ोन भी ख़राब हो गया, एयरपोर्ट भी ख़राब हो गए, क्या भाई किसी ने पता नहीं। मैंने अच्छा वाला लग रहा जलंधर से, बार आप चलाया नहीं मैंने आप जाके, अब मैंने आगे चार्जिंग भी लगाया और देखो पूरी मतलब दिखे जाएगा लाइन वाली पूरी पिंक पड़ी हुई है। हाँ मतलब हर एक चीज़ देखो, हर एक चीज़ पिंक पिंक, और ये धीरे ब धीरे देखो ज़्यादा बढ़ रहा है ज़्यादा, जब फ़ोन गर्म होता है ना फिर पता नहीं भाई क्या ऐसे। मतलब किसी ने बाहर पा लिया, मतलब किसी ने मेरे बैग के ऊपर बैग रख दिया होगा, तो फिर हो गया ख़राब सिस्टम। हाँ कोई बात नहीं यार, देखो बाकी यार ब्लॉग को करते हैं एंड भाई, बिकॉज मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। देखो कितने मैं फूल कपड़े पहने हुए, देखो कितनी मोटी नहीं, बीमार हो गया भाई, तो कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं, छोटा मोटा ब्लॉग बना हुआ देख लेना, अच्छा वाला ठीक था और एकदम से बीमार हो गया, बट आप इंजॉय करो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाकी इंस्टा और स्नैपचैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मुझसे ना बोल भी नहीं हो रहा, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है बाय, यो बेबी बाय।